भाई एक ही चीज की पावर, मेरा ससुर एसीपी है, मेरा भी ससुर एसीपी है। एसीपी चोर से गेट बटका और मुझसे कह रहा है तेरे को बोल रहा हूँ ना मैं ले चल, मुझसे कह रहा भाई सोलर अपनी गाड़ी का करो ना, अपनी गाड़ी लेके आओ, अगर इतने बड़े वो शहनशाह होता यार अपनी गाड़ी लेके आओ ना दूसरे की। सौरभ भाई कैसा? यहाँ भी मैं सब जगह मैं। तो सी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो जी भाई शेव वेव करके नहा धो के रेडी हो चुके हैं। बाकी यार मैंने तो सुबह सुबह मौसम भी नहीं देखा आज का मौसम कैसा होगा, क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत तेज। वाओ वेरी ब्यूटीफुल, फुल भाई मज़ेदार मौसम हो रहा है। बाकी मेरी चाय मम्मी ने ला के रख रखी है, ठंडी ना हो गई। हाँ चलो भाई गर्म है, चाय पीते हैं अपनी। बाकी भाई मेरे को सबके सोने के तरीके समझ में आते हैं, बस एक कीर्ति का सोने का तरीका मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मतलब भाई पूरा कंबल के अंदर मुंह घुसेड़ के सोती है, देख रही हूँ पैरों में दो इसके सोने भाई, कितनी ठंड पड़ रही है भाई। सिर्फ देखो दो पंखे चल रहे हैं, एसी भी इस टाइम पे बंद हुआ पड़ा है। ये भाई साहब इसे घुटन नहीं होते, मैं तो ये सोचता हूँ भाई हम तो कहते हैं ये अजीब गरीब है हमारी कीर्ति। गरीब तो नहीं है वैसे, अजीब बहुत है ये टाइगर। क्या हो गया? आओ नीचे चल, नीचे आ जाओ, नीचे चल ले, नीचे भाई से उल्टी हो रही है, इसका जी खराब हो रहा है। चलो आ जाओ नीचे। हाँ चलो। कितना समझदार है कोने में। आ जाओ इधर। अरे घूम लो, आ जाओ। वो खाई थी इसने घास है पार्क में, डिवॉर्मिंग करी है इसने अपनी। अरे मेरी जान कितनी क्यूट लग रही है। हो चलो भाई लेके आएंगे इसके लिए यार एक डिवॉर्मिंग की गोली, क्योंकि घास खा रहा है ना तो इसको डिवॉर्मिंग की जरूरत है, डिवॉर्मिंग गोली कहेंगे। चलो भाई चाय तो पी ली, बाकी अभी है ना यार ये चूल्हा है ना ठीक करवा के लेके आना पड़ेगा, क्योंकि भाई चल नहीं रहा है, हल्की हल्की फ्लेम फेंक रहा है, हाई फ्लेम पे भी लो फ्लेम पे चल रहा है। और रेगुलेटर को ऊपर और पाइप को नीचे। गाइस आ जाओ कोई मदद कर दो, गंदा हो रहा भाई। अरे मेरा बाबू कितना आराम से लेटा हुआ था कि अबे है सो जा आराम कर लो, है ना निन्नी कर लो, अभी आपने वॉमिट करी है ना निन्नी कर लो आप, है ना आराम कर लो, मैं जा रहा हूँ भाई, शाम में मिलेंगे आपसे। ओके बाबू चलो भाई हम तो चलते हैं राइड पर, बाकी मम्मी को है ना रिक्शा करवाया था ताकि हमें चूल्हे की दुकान पे चले जाओ, चूल्हा ठीक करवा लो। चूल्हा देखो हमने किसके अंदर डाला है, कट्टे के अंदर, गैलेक्सी चावल के कट्टे के अंदर चूल्हा डाल दिया। सही है चलो ठीक है, चलो मम्मी को रिक्शा तक करवा दिया, मम्मी जा रही है ठीक है। चलो भाई गाड़ी निकालते हैं, चलो भाई राइड लेते। बाकी भाई बड़े भैया ना सुबह सुबह गाड़ी लेके गए थे छोले भटूरे खाने के लिए मॉडल टाउन, पता नहीं बड़े भैया ने परफ्यूम लगा रखा था या बड़े भैया के दोस्तों ने, पर भाई जो भी परफ्यूम लगा रखा था ना गाड़ी के अंदर बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। पूछूंगा जब घर जाऊंगा ना तब पूछूंगा बड़े भैया से। हाँ बस सुबह सुबह इसको देखता हूँ ना यार बस दिल खुश हो जाता है मेरा। तो जी भाई अभी आपने वाली क्लिप के अंदर तो शोर शराबा सुनी लिया होगा मेरी गाड़ी के अंदर, और भाई साहब मेरी गाड़ी का इतनी जोर से गेट बंद कराना, इतनी जोर से गेट बंद करा कि भाई मेरे दिल पे इतनी जोर से लगी ना बहुत ज्यादा। और सिर्फ लड़ाई किस चक्कर में हुई थी हस्बैंड वाइफ के बीच में, सिर्फ दारू को लेके, कि मेरे को दारू पीनी है, मैं बिना दारू पिए तुम्हारे पापा को फेस नहीं कर पाऊंगा वो, क्योंकि जो उनकी वाइफ थे ना उनके पापा जो थे वो एसी पीते, कह रहे मैं बिना एसी उसके नहीं कर पाऊंगा, तेरे पापा से मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है, दारू पी के जाऊंगा। तो ये था भाई दारू पीने के बहाने, देखो यार उस बंदे के, मतलब भाई यार गाड़ी के अंदर वेप पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा था भाई, दिल से ज्यादा बहुत ज्यादा बुरा लगा। मतलब भाई मेरी गाड़ी का इतना बुरा हाल, गाड़ी के अंदर वेप पी रहे, मैंने बोला भैया वेप मत पियो मेरी गाड़ी के अंदर, क्योंकि भैया मैं इसको बहुत मंदिर की तरह पूछता हूँ, ये मेरी रोजी रोटी है तो प्लीज आप मत करो। भाई एक ही चीज की पावर, मेरा ससुर एसीपी है, मेरा भी ससुर एसीपी है, एसीपी की लड़की है मेरी वाइफ,
भाई हद होते है यार, मतलब बीच रास्ते में भाई 40 की स्पीड में मेरी गाड़ी चल रही थी, एकदम से गाड़ी रोक, वो गाड़ी का गेट खोल दिया, तो शुक्र है कि पीछे से कोई गाड़ी आ नहीं रही थी, वरना तो भाई साहब बहुत बुरा एक्सीडेंट होता। और एकदम से इतनी जोर से गेट पटका, मुझसे कह रहा तेरे को बोल रहा हूँ ना मैं ले चल, मुझसे कह रहा भाई 16 सेक्टर ले चल, 16 सेक्टर ले चल, वाइन शॉप लेके चल, मेरे को दारू पीनी है, तेरे को 300 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। मैंने भैया मेरे को पैसों का कोई लालच ही नहीं है, अगर आपको मेरे को कहीं लेके जाना है तो आप कैब बुक करो, अगर आप लोग फिर आप लोकेशन अपडेट करो, जहाँ बोलोगे मैं यहाँ लेके चलूंगा, पर मैं लोकेशन से हटके बिल्कुल भी नहीं आ सकता। भाई यार बहुत ज्यादा दिल से बुरा लग रहा है, मतलब यार एसीपी गा के भाई मेरी गाड़ी, पूरे 1 घंटे की राइड थी, लंबी ट्रिप थी, वो लंबी ट्रिप इतनी ज्यादा बुरी हुई ना भाई, पूरे रास्ते गाली गलोच करते भाई, ये है वो है, गाड़ी मेरे इतने क्लोज है ना, और गाड़ी के साथ अगर ऐसा होता तो भाई आप लोगों को तो पता ही है कि गाड़ी के साथ अगर कुछ भी होता तो मेरे को कितना बुरा लगता है। और भाई साहब एक बंदे ने, मतलब यार चीज मेरी है, सब कुछ मेरा है भाई, अगर कुछ नुकसान करना है तो यार अपनी गाड़ी का करो ना, अपनी गाड़ी लेके आओ, तो अगर इतने बड़े वो शहनशाह हो तो यार अपनी गाड़ी लेके आओ ना, दूसरे की चीज का क्या तमाशा बना रखा, मतलब ये थोड़ी कि ओला उबर की कैब है तो कुछ भी करोगे इसके साथ, ना हद होती है भाई साहब। यार भाई करना अपनी गाड़ी के साथ करो यार, खर्च करो 11-13 लाख रुपए अपनी गाड़ी के साथ, चाहे उसके अंदर आग लगाओ बीच रोड पे, जो मर्जी करो। ओ तो जब टाइम हो रहा है 11 बजने वाले हैं, अब घर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं अपना। भाई इसकी बातें अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहे हैं भाई, मेरा तो व्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता, व्लॉग क्या है, मेरा तो किसी भी चीज का मन नहीं करता, ना खाने का, ना गाड़ी चलाने का, ना व्लॉग बनाने का, किसी भी चीज का मन नहीं करता, मतलब इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है ना, इतना ज्यादा दिल से बुरा लग रहा है। प्रफुल की मम्मी और प्रफुल की मम्मी क्या हाल है, हैं 5 घंटे में आइयो, चूल्हा ठीक करवा के, चक्कर आने लगे हमें तो, चूल्हा ठीक करवा के 5 घंटे में, भाई साहब चूल्हा इतने तो नया चूल्हा ले लेते, इतना रमेश करो तो उसमें पैसा लगता है, तो तू दे रही थी अदीना बहन ने ना मुझसे कहा कि अपने सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पूरी नहीं करोगे, मैंने ठीक है करेंगे, कह रही अली एक्टिंग करके दिखाओ। हे गाइस कैसे हो आप सब, चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, मम्मी ने मुझे चोट मारा। हेलो हाय हे गाइस कैसे हो आप सभी लोग, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, मेरी मम्मी ने मेरे को चाटा मारा। मुझे एक इंट्रो ऐसे चाहिए, इंट्रो भाई मम्मी को फिर सो मारना पड़ेगा मुझे, तभी ऐसा इंट्रो मिल सकता, अदरवाइज इंट्रो नहीं मिल सकता। हाँ तुम मार दो तो मिल जाएगा। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं, अदीना मैंने मेरे को मारा, चलो बाकी भाई अभी मैं लेके आया हूँ पेप्सी, तो पेप्सी पीते हैं और कैरम का मैच देखते हैं। हाँ भाई टाइगर भाई एसी खुलते ही ना टाइगर तो भाई यहाँ पे आके ले जाता पलंग पे, इसे सबसे ज्यादा गर्मी लगती है, वैसे भी लगेगी क्योंकि भाई हमारा टाइगर हॉट इतना है ना, बहुत ज्यादा हॉट है हमारा टाइगर, इसलिए इसे एसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। गाइस कंटेंट मिल गया मेरे को, टाइगर ने कंटेंट दिया मेरे बच्चे ने, मेरे को कंटेंट दिया, इसने पानी गिरा दिया और कीर्ति लगा रही है इस टाइम पे पोछा, अच्छे से यहाँ पे पानी है ना लगा, ए मेरे मुंह पे क्यों लगा रही है पोछे को, तुझे कंटेंट चाहिए था ले टाइगर, वो कितना मस्त लग रहा है, अरे टाइगर नहीं 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 सही है वो मत कूद मत, कंटेंट मिल जाएगा रुक जा, ओ भाई रुक जा, भाई 100 रुपए होल्ड कैसे करके रख रहे हैं, मत कूद मत कूद, अरे यार भाई ये गोदी में नहीं आता मम्मी, वैसे पता नहीं टायर के अंदर कौन सी स्प्रिंग फिट हुई है भाई, इतना उछल कूद करता है, इतना उछल कूद। भाई ना ये बोर्ड लेके आए, अब इसके ऊपर है ना सारे एक एक करके ना अपने सिग्नेचर करेंगे, देखते किसके सिग्नेचर अच्छे होंगे किसके नहीं, भाई भाई 100 रुपए करेंगे अपने सिग्नेचर। वाओ गाइस कीर्ति के साइन, तो भाई देखो ये है सबके सिग्नेचर, कमेंट करके बताना कि किसके सिग्नेचर अच्छे हैं किसके नहीं, ठीक है ना। भाई अभी आशने दी ना मेरा स्केच बना रही है, कह रही है मैं स्केच बहुत अच्छा बना रही हूँ, तो देखते कैसा स्केच बना रही है, भाई हंस रहे तो उसका मतलब बहुत बुरा बना रहे होंगे लोग। सौरभ भाई कैसे बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया, वाह भाई भाई टाइगर की शक्ल बना दी, टाइगर तेरा स्केच बना दिया, देख आशने दीदी ने ये क्या लग रहा है, भी लग रहा है, भी लग रहा है।
तुम्हारे भी आशा दीदी ने कीर्ति का स्केच बनाया, कीर्ति की तरफ करना मैच हो रहा नहीं हो रहा देखते हैं, कीर्ति की तरफ करो। हाँ भाई कीर्ति से मैच हो रहा, कीर्ति का स्केच वहाँ बैठी हुई ऐसी है। चलो भाई अंदर चलते हैं सोने के लिए, बाकी कीर्ति कर रही है गेम की तैयारी, मम्मी के साथ गेम खेलेगी पता नहीं कौन सा। भाई मेरे को तो आ रही नींद। चलो भाई करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तमाचा मारूंगी, मार के दिखा।